please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन के ऊपर में किस तरीके से कस्टम पेज बॉर्डर क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अपने तरीकों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज बॉर्डर क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कस्टम पेज बॉर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दिया हुआ पेज बॉर्डर को यूज़ नहीं करते हुए मैं अपने तरीक़ों से, मैं अपने टेक्निक यूज़ करते हुए एक आपको यहाँ पर पेज बॉर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स का पेज बॉर्डर क्रिएट करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको कौन सा पेज के अंदर पेज बॉर्डर बनाना है वो साइज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पेज लेआउट के अंदर क्लिक करते हैं। दोस्तों, सिंपली साइज के ऊपर मैं जाकर एक A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग पेज बॉर्डर की तरफ आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। पेज लेआउट के अंदर पेज बॉर्डर है, यहाँ से आप लोग पेज बॉर्डर नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको कस्टम तरीकों से अपने हिसाब से मैं पेज बॉर्डर क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है, शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये वाला रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप्स के ऊपर में क्लिक किया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पेज का साइज कम किया है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर आप रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों सिंपली सेव फिल के ऊपर में जाकर नो फिल कर दूंगा। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ, सेव फिल के ऊपर में जाकर नो फिल। और उसके बाद दोस्तों सिंपली सेप आउटलाइन के ऊपर में जाकर वेट में थोड़ा सा वेट बड़ा कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझाने में कुछ आसान हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर पेज बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट के ऊपर में। इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको वो जाना है सिंबल्स के ऊपर में। तो आप लोग देख सकते हो सिंबल्स के ऊपर में क्लिक करना है। सिंबल्स के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है मोर सिंबल्स के ऊपर में। और आपको यहाँ पर इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड पर आया है, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करते इस तरीके से छोटा सा करके आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से सिंबल देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट के ऊपर में बॉर्डर देखने को मिलेगा, तो वही से आप यहाँ पर कॉर्नर बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए आकृति इमेज है, मेरे पास यहाँ पर आकृति इमेज का फॉन्ट का बंडल है। दोस्तों मैं यहाँ से आकृति इमेज यूज करूँगा, जैसे कि यहाँ पर 02 आकृति इमेज यूज करूँगा, तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर्स के लिए इफेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद 3 पर इस तरीके से आएगा, और 4 पर इस तरीके से आएगा, और 5 पर इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ढेर सारे यहाँ पर सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। 6 पर इस तरीके से आएगा, 7 पर इस तरीके से आएगा, और आप चाहे तो यहाँ पर 08 आकृति में यूज कर सकते हो। ये वाला भी खूबसूरत सा पेज बॉर्डर क्रिएट होकर आएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 09 पर भी इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए ये वाला एक इफेक्ट क्लिक करूँगा और इसको इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों इसको मैं क्लोज करूंगा। आप लोग सेलेक्ट कीजिए 09 आकृति इमेज। अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉन्ट का पैकेज का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। दोस्तों वहां से आप इसे डाउनलोड करते हुए यूज कर लीजिए फॉन्ट वगैरह। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसके बाद इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें दोस्तों, सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो ध्यान से देखिए, वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करते हो आपको वर्ड आर्ट स्टाइल 1 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आ चुका है 6, यानी कि इस वाले बॉर्डर, यानी कि इस वाले कॉर्नर बॉर्डर आपको 6 टाइप करने से मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से फॉन्ट सेलेक्ट करना है 09 आकृति इमेजेस। दोस्तों मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर मैं 09 आकृति इमेज सेलेक्ट करूँगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 09 आकृति इमेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 09 आकृति इमेज। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये लोगो यहाँ पर आ चुका है। जस्ट आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्लिक करते हुए टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर में क्लिक करते हुए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। कलर वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, मैं फिलहाल के लिए ब्लैक ही कलर करूँगा। और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से इसको रोटेट करना चाहूँगा तो रोटेट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको फ्लिप करूँगा यहाँ से, ये वाला फ्लिप हॉरिज वर्टिकल। और इसको यहाँ से शिफ्ट होल्ड करते थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो
इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट किया, अभी इसी तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब आपको इसको क्या करना है, इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते इधर के साइड इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद फिर से फॉर्मेट फ्लिप वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल इस तरीके से करते हैं, आपको यहाँ पर मैनेज करना है। तो मैनेज करने के बाद दोस्तों देखिए ये वाला कॉर्नर भी रेडी हो चुका है। अब इसी को आपको कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको लेकर आना है। लेकर आने के बाद दोस्तों आपको इसको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट फॉर्मेट रोटेट इस तरीके से आपको फ्लिप वर्टिकल कर देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल और शिफ्ट ऑन करते हुए इस तरीके से इधर के साइड भी करना है, सेम प्रोसेस रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारे तरीके से मैंने यहाँ पर कॉर्नर बॉर्डर बना चुका हूँ दोस्तों इस तरीके से एक ही क्लिक के अंदर। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से ये शेप्स यूज करते हुए, सिम्बल्स का यूज करते हुए मैंने यहाँ पर एक पेज बॉर्डर क्रिएट करके आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों मैं फिर से एक और यूज़ करना चाहूँगा, सिंपली कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हुए फिर से यहाँ पर मैं एक खूबसूरत सा यूज़ करना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हुए फिर से सिंबल और मोड सिंबल, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये सारा सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। जस्ट मैं यहाँ पर एक ये वाला यूज करूँगा 012 के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों ये वाला, और इसको मैं इंसर्ट करूँगा जस्ट और क्लोज करूंगा। और इसको दोस्तों देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसको सेलेक्ट करने के लिए जस्ट आपको इतना सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जस्ट आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जस्ट आपको इस तरीके से इतना ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है व्हाट वाटर स्टाइल 1 और फिर से आपको सेलेक्ट करना है 012 आकृति इमेज। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं 012 आकृति इमेज सेलेक्ट करूंगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर मैं 012 आकृति इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद रैप टेक्स्ट एंड फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पर दोस्तों ब्लैक कलर, आप चाहें तो इसका आउटलाइन रिमूव वगैरह भी कर सकते हो, मुझे ज़्यादा इतना ही अच्छा लग रहा है। तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसको प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला को, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करते थोड़ा सा रोटेट करते इस तरीके से प्लेसमेंट करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला मैंने बना चुका हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए शेप्स और यहाँ पर ये वाला लाइन सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से लाइन यहाँ पर एग्जैक्टली ड्रॉ कर दूंगा। ध्यान से देखिए, और इसको ड्रॉ करने के बाद दोस्तों वेट थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा एक प्यारा सा ब्यूटीफुल लुक निकल कर आ जाए। तो दोस्तों देखिए इतना तक कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर एक रोटेट करते हुए इस तरीके से ये वाले के ऊपर मैं क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेस करते हैं, फिर से फ्लिप करूँगा ये वाला। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इजीली प्लेसमेंट कर सकते हो, इसको आप चाहे तो इधर के साइड कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसको पसंद है आप वहीं पर सेलेक्ट करते हुए रख लीजिए। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इसको आप चाहे तो इधर के साइड करते हुए इस तरीके से आप मैनेज वगैरह कर सकते हो, और इसको आप चाहे तो यहाँ से भी फिर से आपको एंसर के ऊपर क्लिक करते हैं शेप्स और लाइन, तो यहाँ से आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये वेट आपको इस तरीके से बड़ा कर देना है। तो इसको आप चाहे तो यहाँ से मैनेज करते हुए एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से मैनेज वगैरह ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इस तरीके से एक यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, अभी मैं दोस्तों ये वाला को यहाँ पर क्लिक करते हुए कंट्रोल होल्ड करते इसको कॉपी कर रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर इसको मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो आप भी इसी तरीके से प्लेसमेंट कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों फिर से इसी को मैं यहाँ पर कंट्रोल और इसको कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहा हूँ, और इसी को दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए यहाँ पर इसको प्लेसमेंट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर इजी तरीके से इस तरीके से सेट हो जाए, और इसको भी यहाँ पर आप लोग मैनेज हो जाए। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर ये फिल किया है। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते कॉपी करते यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक ये वाला बॉर्डर क्रिएट करके आपको दिखा चुका हूँ। इस तरीके से आप इजीली ढेर सारे बॉर्डर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के ऊपर में। कंट्रोल एन करते हुए आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए सिंबल्स वगैरह यूज करते हुए आप यहाँ पर इजीली कस्टम बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला को इंसर्ट किया है, जस्ट इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं वाटर स्टाइल 1 और फिर से 012 आकृति इमेज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन से देखिए दोस्तों 012 आकृति इमेज और ओके।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और आपको इसको यहाँ पर भी प्लेस करते हुए इजीली बॉर्डर वगैरह आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जो भी कलर वगैरह आपको पसंद है कलर के ऊपर में भी बेस में आप काम कर सकते हो। तो जैसे देखिए कितना प्यारा लुक निकल कर आ रहा है और इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होने करते इस तरीके से क्लिक करते हुए रोटेट फ्लिप ओरिजेंटल और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए काम कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक निकल कर आ रहा है और इसी दो को सेलेक्ट करते हैं आपको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हैं कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको और रोटेट के ऊपर में जाकर फ्लिप ओरिजेंटल इस तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल करते हुए काम करूँगा और यहाँ पर इसी को इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ प्लेसमेंट कर दूँगा ताकि दिखने में भी काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। तो दोस्तों इसी और इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं इसको इधर की साइड कर दूंगा ताकि यहाँ पर एग्जैक्टली हम बराबर लुक निकल कर आ जाए। इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए दोस्तों देखिए कितना प्यारा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो और इसके ऊपर में आपको लाइन वगैरह क्रिएट करना है। जस्ट आपको ये शेप के ऊपर में जाकर भी इस तरीके से ये वाला भी आप यहाँ पर ड्रॉ करते हुए काम वगैरह कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं दोस्तों आप चाहे तो, अदरवाइज आप यहाँ पर लाइन वगैरह यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैं इसको यहाँ पर साइज़ में छोटा करते हुए यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसको मैं वेट थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर मैनेज वगैरह करते हुए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों देखिए, और थोड़ा सा वेट बढ़ा कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर मोर लाइन के ऊपर में जाकर थोड़ा सा वेट आपको यहाँ से इस तरीके से हम बड़ा वगैरह करना चाहते हो तो बड़ा वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से वेट मोर लाइन 5 की जगह 5.5 इस तरीके से या फिर 6 कुछ इस तरीके से। दोस्तों देखिए कितना प्यारा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से आपको करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए ये वाला आपको लाइन कलर आपको प्लेस करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली जितना हो सके आपका साइज़ आप देखकर यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको कॉपी करते हुए इसको आप चाहे तो यहाँ से वेट के ऊपर में क्लिक करते हुए मोर वेट के ऊपर में जाकर आपको जितना वेट बड़ा करना है यानी कि 12 के आसपास करते हुए इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर आप प्लेसमेंट कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना प्यारा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस दोनों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्लिप इस तरीके से ओरिजेंटल करते हुए ताकि आपको यहाँ पर इसको इधर और इसको इधर करते हुए आप यहाँ पर प्लेसमेंट इजीली कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है दोस्तों, आप इजी तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इसी को इंसर्ट के बटन क्लिक करते हुए फिर से आपको ये वाला को होल्ड करते इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको रोटेट वगैरह करते हुए जस्ट आपको साइज में छोटा करते हुए इस तरीके से साइज छोटा करते हुए आपको प्लेसमेंट करते हुए आपको यूज करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से रोटेट करते हुए यहाँ पर आपको इसको फील कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको आप प्लेसमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ जस्ट कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसको इधर के साइड इस तरीके से बड़ा करते हुए यहाँ पर यूज करूँगा और इसी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं 12 के आसपास का वेट देना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों देख सकते हो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से कॉपी करते हुए यहाँ पर मैं इसको प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पर मैं इसको रोटेट करते हुए मैनेज करते हुए यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ दोस्तों देखिए, और इसी को भी यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने अच्छे से यहाँ पर एक फिर से पेज बॉर्डर क्रिएट करके आपको दिखा चुका हूँ। इस तरीके से आप इजीली आप अपने तरीकों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। आप अपने तरीकों से कस्टम तरीकों से पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों पहला मैंने ऐसा बनाया था और दूसरा मैंने इस तरीके का बनाया, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपने डिजाइन का यूज करते हो, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यूज करते हो इस तरीके से खूबसूरत खूबसूरत सा कस्टम पेज बॉर्डर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में यूज करते हुए काम कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का इस वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तब के लिए नमस्कार दोस्तों।